मतलब पेंट ऑन कर रहा है, मुझे लगा कि ऑटो कट में पेंट कर रहा था। नहीं नहीं सही है। तो ये देखिए आपका वही वाला फिगर है, दोबारा से बना रहे हैं इसको। अब इसको कोऑर्डिनेट मेथड से करके देखेंगे हम लोग। कौन से मेथड से? कोऑर्डिनेट मेथड से। कोऑर्डिनेट हाँ जी, तो इसकी मैं आपको लेंथ विड्थ बता देता हूँ फिर से। ये आपका 12 मीटर है और ये आपका 1.5 है और ये आपका टोटल वाला 3 मीटर है। ठीक है, ये आपका 3 है यहाँ से यहाँ तक और ये आपका यहाँ से यहाँ तक 1.5। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट है ये आपका 0 0। यस, 0.0। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये 2D फिगर है, इसलिए सिर्फ दो ही एक्सिस काम। हाँ जी सर, प्लीज रिकॉर्डिंग कर दे दो सर। हाँ लगा दी सर, डी लगा दी। तो देखिए यहाँ पे आपका 0.0 आ रहा है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0.12 12.0। डियर ओके सर, क्योंकि हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं इसलिए हमें 12.0 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा डियर? ये जो है अगर आप ये वाला पॉइंट, ये वाला मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ई और ये आपका एफ। ठीक है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा डियर? बताइए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये देखिए आप, यस सेंटर पे, बिल्कुल बिल्कुल, वो एफ और बी वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके सेंटर पे आएगा, तो वो आपका 9 आएगा क्योंकि यहाँ तक आपका 6 है और 6 से हाफ पे जाएंगे तो 9 पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका 9.1.5। वेरी गुड। डी वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6.3। यस वेरी गुड, 6.6। नो 3.6 नहीं होगा डियर, क्योंकि हमेशा हम सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं? एक्स की। और ये जो डिस्टेंस है आपका ये कौन सी डायरेक्शन में? एक्स का है, इसीलिए हम एक्स को पहले लिखेंगे और वाई को बाद में। ये तो डियर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि हम एक्स की पहले लिखते हैं, फिर वाई की लिखते हैं, फिर जेड की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है डियर सर। अच्छा, तो आप ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं। वेरी गुड, तो ये आपका ई पॉइंट का हो गया। और एफ का क्या होगा डियर? लास्ट एफ का 6 हो जाएगा सर। 6.0। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। ये कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए और इसमें इंपोर्ट करना है जिससे कि हमारा फिगर बन जाए। तो जैसे कि मैंने देखो आपको बताया था, इसको ऑफ कर दो, यहाँ पे आपको ग्रिड की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप इसको क्लोज करोगे विंडो को, तो इसके पीछे देखो आपको एक नोड वाला टेबल मिलेगा और एक मिलेगा आपको बीम का टेबल। जैसे देखो अगर आपका ये एक्टिवेट है स्नैपग्रिड मेथड, और ये आपका, या तो आप एक बार क्लिक कर दो इसी के ऊपर तो आपकी देखो विंडो गायब हो जाती है, या फिर आप उसको इस विंडो को यहां से क्लोज कर दो तो तब भी आपका देखो गायब हो जाता है। और उसके पीछे आपको एक टेबल मिलेगी नोड की और एक टेबल मिलेगी आपकी बीम की। तो आपको जो कोऑर्डिनेट देने वो आपको इस ऊपर वाले टेबल में देने हैं, नोड वाली में, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट आपने दिए हैं वो किसके हैं? नोड की तो है। तो आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो था 0.0, राइट? तो देखो एक्स वाई जेड तीनों आपके 0.0 हैं और एक नोड आपका देखो यहाँ पे विजिबल भी हो गया आपको।
यस सर। आप दूसरे नोड आप देने वाले थे इसमें 12 और y में 0, तो देखिए आपका एक नोड ये रहा और दूसरा नोड आपका यहाँ आ गया 12 मीटर पे x में। यस सर। अच्छा अब आपका एक और था 9 और y में क्या था 1.5, तो देखिए ये आपका ऊपर आ गया तीसरा नोड ये रहा। फिर आपका था 6.3। सर एक्चुअली हमको लगता है रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा। डियर तो अब आपका ये नेक्स्ट आपका 4 पॉइंट हो गए एक्स और वाई। अब आपका पांचवा नोड आपका यहाँ आएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या था 3 और 1.5। और आपका एक और बचा लास्ट में यहाँ पे जो था 6.0 पे। तो देखिए ये आपके नोड आ गए सारे के सारे। यस सर। कोई तो नहीं बचा, सारे के 6 नोड थे हमारे, 6 हमने दे दिए बना दिए यहाँ पे। यस सर। अब बात आती है इनको ज्वाइन करने की, क्योंकि जब भी हम कोई लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो हमें उसके लिए दो डॉट चाहिए होते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो दूसरा टेबल है अब उसका काम आएगा। यस सर। इसमें देखो आपको नोड नंबर देने होंगे, नोड नंबर ए और नोड नंबर बी, यानी कि हमें दो नोड को मिला करके ही तो हमारा मेंबर बनता है। अब देखो आपको डिफिकल्टी क्या आएगी कि यहाँ पे आपको नोड नंबर पता ही नहीं है कि ये हमारे कौन से नोड का है। जैसे कि आपने 1 पे क्लिक किया तो देखो 1 वाली हाईलाइट हो गई है कि नहीं, 2 पे क्लिक किया तो देखो 2 हाईलाइट हो गई। लेकिन ऐसे अगर हम बार बार करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी, एक एक बार इस पे क्लिक करें फिर पता करें। तो हम ये नोड नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एन दबाएंगे। इसमें क्या दबाएंगे, शिफ्ट और एन। शिफ्ट दबा के रखना है और एन दबा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नोड नंबर है वो सो और हाइड होते हैं। एक बार दबाओगे तो सो हो जाएंगे और दोबारा दबा दोगे तो वो हाइड हो जाएंगे। क्या यूज करना है, शिफ्ट। शिफ्ट दबा के रखना है और एन को प्रेस करना है। एन ठीक है डियर। तो नोट करते जाना। अब देखिए आपको नोड नंबर हाईलाइट हो गए यहाँ पे। यस सर। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है नोड नंबर ए में हमें क्या देना है 1, नोड नंबर 1, और बी में क्या देना है 6। तो देखिए 1 और 6 के बीच में एक लाइन बन गई आपकी। अब आपको दूसरा किसके बीच में जाना है, 6 and 2। हाँ तो आप देखिए मैंने वैल्यू दोनों दे दी फिर भी नहीं दिख रहा है, जब तक कि आप उसे नीचे वाले कॉलम सेल पे नहीं लेके आएंगे तब तक वो आपको ड्रॉ नहीं होगी, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और फिर अगला है 2 और 3। अच्छा इसमें कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर क्या हमें 3 2 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, चाहे आप 2 3 दे दो या 3 2 दे दो, बात एक ही है। अब इसमें देखिए 3 और 4 एंटर करते हैं हम लोग, फिर आपका 5 और 4, ठीक है देखिए, और आपका 1 और 5। तो देखिए आपका ट्रायंगल बन गया। अब आपके 2 और मेंबर रह गए, कौन से 6 और 3 और आपका 6 3, और एक और रह गया आपका कौन सा 5 और 6। तो देखिए बन गया आपका फिगर। यस सर। तो ये आपका एक और मेथड होता है उस किसी भी ड्राइंग को बनाने का, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है, अब देखिए इसमें एक चीज और है कि इसमें अगर आपको बीम नंबर देखने, ये आपका देखो 1 बीम नंबर कौन सा है, ये वाला सिलेक्ट हो गया, 2
टू पे क्लिक करोगे तो टू वाला हो जाएगा, थ्री पे क्लिक करोगे तो थ्री वाला हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे नोड नंबर जो दिख रहे हैं उस तरह से अगर आपको बीम नंबर भी देखने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बी दबाना पड़ेगा आपको। क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट बी। शिफ्ट बी, उससे क्या होगा आपके मेंबर नंबर आपको शो हो जाएंगे और वो आपको देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो नंबर आपका यहाँ पे होगा वही नंबर आपको उसके ऊपर यहाँ पे आके हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, आया समझ? हाँ सर। इसमें एक चीज और है, एक और मेथड है इसको बनाने का। ये हम सपोज चलो इस टेबल में ये चीजें नहीं डालते हैं, इसमें से सिर्फ हमने बीम को डिलीट कर दिया, उसको नो कर देते हैं। ये आपके नोड नंबर है। एक तो आपने मेथड देखा यहाँ पे क्या कि यहाँ पे हमने नोड नंबर डाले और हमारा मेंबर बनता गया, राइट? हमारे पास एक ऑप्शन और है एड बीम का। ये देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट कमांड है क्या, नोड बीम, एड बीम का ऑप्शन, ठीक है? और आप ज्योमेट्री में जाएंगे तब भी आपको यहाँ तीसरे नंबर पे मिलेगा क्या, एड बीम का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो एड बीम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, यहाँ पे क्लिक कर दो तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका नोड वन और नोड आ गया टू। आप ऐसे ही क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी भी बनती जाएगी। ये देखो आपको सिर्फ नोड पे क्लिक करना है। आया समझ? यस सर। कोई डाउट? तो दोनों मेथड से बना सकते हो, या तो आप यहाँ पे नोड नंबर्स डाल दो या फिर एड बीम से उन नोड्स के ऊपर क्लिक कर दो। दोनों ही केसेस में हमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, नोड्स होनी चाहिए, तभी आपका वर्क करेगा वरना नहीं करेगा। ठीक है, क्या हम एक और एग्जांपल लें? आई थिंक ये एग्जांपल तो आपको सबको समझ में आ गया होगा दोनों मेथड से कि आपको कोऑर्डिनेट से कैसे बनाना है और आपको विदाउट कोऑर्डिनेट कैसे बनाना है, नोड स्नैप नोड से कैसे बनाना है। ठीक है सर। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लेते हैं, ये आपका एक और ट्रायंगल शेप में ही आएगा। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे अब इसको। ये आपका है और ये आपकी यहां से इंक्लाइन लाइन है एक, इसको ऐसे ज्वाइन करना है, फिर ऐसे ज्वाइन करना है और इसको ऐसे और इसको यहां से ऐसे और ये ऐसे, तो ये दोनों तरफ आपका सेम रहेगा, इस साइड भी ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है अभी तक? जी सर। तो ये देखिए इस तरह से आपका बनेगा, ये आपका फिगर है, इसकी डाइमेंशंस मैं आपको बता दूं, ये आपकी 12 ही है, 12 मीटर और इसकी टोटल हाइट आपकी 3 है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि कोऑर्डिनेट मेथड यूज करो, क्या आप कर पाओगे? कर पाओगे डियर? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मैंने ये डिस्टेंस ही नहीं बताया, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। यस और नो? क्योंकि आपके पास ये डिस्टेंस, ये तो चलो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? और अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो आप इसमें स्नैप नोड भी मेथड यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आकर के वो दोनों मेथड आपके फेल हो गए कि नहीं? यस सर। हाँ, अब उसके लिए देखो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अब इसमें हम दोनों का मिक्स करेंगे,
कि हम यहाँ पे वो भी यूज कर देंगे स्नैप ग्रिड और कोई दूसरी ट्रिक भी लगाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है आपका 4 पे है, ये 2 पे है, ये बीच में आपका यहाँ 6 होगा कहीं। यस सर। अब इसमें एक चीज आप देखो कि ये आपके जो बीम है स्लेंट वाली, ये आपके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये वाली लाइन आपकी मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। यस। तो डियर हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे इसमें। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूं जो हमारे पास बने हुए हैं, एक ये आपका ये और दूसरा आपका ये, डिलीट, और इन दोनों को मर्ज कर देते हैं ताकि ये सिंगल हो जाए। ठीक है डियर, आप देखो ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है सिमिलरली। अच्छा ये नीचे वाला भी जाएगा। इस मर्ज कमांड से क्या होता है कि दो मेंबर्स ज्वाइन हो जाते हैं। अब ये एक सिंगल मेंबर बन गया आपका, देखो वन। ठीक है, बताऊंगा आगे कमांड आएगी तो, अभी तो जस्ट मैंने इसको किया। तो देखो ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसमें आपको कितने नोड क्रिएट करने हैं इक्वल नंबर की स्पेसिंग पे, काउंट करो 1, 2, 3। तो कितने नोड है आपके, 3। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होती है इंसर्ट नोड, क्या होती है इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर आप जाओ ज्योमेट्री में और यहाँ पे आपको ये मिलता है क्या, इंसर्ट नोड का ऑप्शन। कौन सा मेथड यूज करके बना रहे हैं? देखिए ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है ये तो आपका बनाया है, हमने कोऑर्डिनेट से भी बन सकता है और आपका स्नैप नोड से भी बन सकता है। ये ट्रायंगल तो आप बना सकते हो जी। अब यहाँ से आगे किसी भी उसमें आप काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपकी कमांड का काम रहेगा यहाँ पे। अब हमें इस बीम मेंबर को चार पार्ट में डिवाइड करना है। चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें इसमें कितनी नोड डालनी पड़ेंगी, 3, राइट? 3 नोड डालनी पड़ेंगी हमें। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से जाएंगे इंसर्ट नोड पे, और या फिर दूसरा मेथड है आपका क्या, ऑप्शन है आपका इंसर्ट नोड का, ज्योमेट्री में क्लिक करेंगे और आपका थर्ड नंबर पे आता है इंसर्ट नोड का ऑप्शन। कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। ओके, इंसर्ट नोड पे क्लिक किया तो एक विंडो खुल के आएगी इंसर्ट नोड इनटू बीम नंबर 5 में। ये देखिए इसका नाम बीम 5 है, बीम 5 दिखा रहा है आपको। और इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 6.7082 मीटर, राइट? तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ऐड न्यू पॉइंट, ऐड मिड पॉइंट और ऐड एंड पॉइंट्स। तो हमारा यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा तीनों में से? ऐड न्यू पॉइंट्स। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इलेबोरेट कर देता हूँ कि ऐड न्यू पॉइंट से क्या होता है कि हमें एक बार में एक ही पॉइंट हम इंसर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस देना पड़ेगा, राइट? एड मिड पॉइंट पे क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आपका उस मेंबर के मिड पॉइंट पे एक नोड क्रिएट हो जाएगा। और इसमें अगर आपको इक्वल नंबर ऑफ नोड्स डालने हैं तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि नोड कितने नंबर्स में आपको चाहिए। जैसे कि हमें इस मेंबर के लिए कितनी चाहिए, 3 सर। तो आप n इक्वल टू क्या डाल देंगे, 3, और यहाँ इस पे क्लिक करेंगे एड एंड पॉइंट्स।
आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका 3, 5 और 6 नोड क्रिएट हो गई आपकी मेंबर में, और ये आपको डिस्टेंस भी दिखा दिया उसने कि पहला डिस्टेंस आपका कितना है, 1.6771 पे है, दूसरा 3.3541 पे है, और लास्ट वाला किस पे, 5.0312 पे, और आप इसको कर दो ओके। तो देखिए आपका मेंबर भी डिवाइड हो गया, एक मेंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और आपका नोड नंबर क्या आ गए, 7, 6 और 5 हो गया। यहां तक आया समझ? Yes, sir. ओके, अब इस वाले मेंबर की बात करें और इस पे भी हम इंसर्ट नोड पे जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना लेना था हमें, 4 पे ही तो आपने ज्वाइन करना था ऐसे करके, यस और नो? देखो डियर, ये स्लेंट में आ रहा है तो यहाँ पे 4 पे आपको ज्वाइन कराना था, तो यहाँ पे देखो आपका नोड नहीं है तो आपको नोड इंसर्ट करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस में आपको यहाँ कितना डालना पड़ेगा, 4। अच्छा ये बताओ कि ये आपका डिस्टेंस इधर से लेगा कि इधर से लेगा, कैसे डिसाइड करोगे आप? बताओ आशीष। सर राइट साइड से लेगा, लेफ्ट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से लेगा, क्यों? सर उधर से ओरिजिन है ना सर, 0-0। अच्छा चलिए मान लेते हैं आपकी बात। ब्रिजेश जी आप बताएंगे सर? 1-2-2 इधर सर, तीन बैंक में जो नोट है 1-2-2, यस, तो इसमें वन साइड से लेगा। वेरी गुड, ये आपका परफेक्ट आंसर है आशीष। यस सर, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे नंबर दिखा रहा है 1 और 2, तो हमेशा वो डिस्टेंस यहाँ से लेगा इधर से, तो हमारी देखो 1 नोड इधर पे है, ठीक है, तो इधर से डिस्टेंस मेजर करेगा ये। अगर यहाँ पे 2-2-1 होता कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो आपको डिस्टेंस इधर से डालना होता 8। जी सर, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर इंसर्ट नोट करते समय कि वो नंबर्स कहाँ से ले रहा है, ठीक है सर। तो अब हमें पता है कि ये नोड नंबर 1 से ले रहा है, और नोड नंबर 1 से हमारा डिस्टेंस कितना है, 4। यस सर, तो 4 डाल दिया, और देखो उसका प्रोपोर्शन भी आ गया कि ये आपके टोटल मेंबर का इतना प्रोपोर्शन है। और आप इस पे कहां, आप इस बार कहां क्लिक करोगे, ऐड न्यू पॉइंट पे, किस पे, ऐड न्यू पॉइंट पे, और देखो आगे एकदम एग्जैक्टली 4 पे आपका यहां शो भी कर रहा है 3, और ओके कर दो, तो देखो ये आपका नोड नंबर 8 आ गया यहां पे। और देखो ये मेंबर भी देखो डिवाइड हो गया हमारा 2 पार्ट में। हाँ सर, ठीक है। अच्छा अब देखो 4 को और 9 को ज्वाइन कराना है हमें, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था, ऐड बीम। तो आप एक बार 4 पे क्लिक करेंगे और दूसरा करेंगे 8 पे, इस तरह से हो गया। अब देखो, अब इस नोड पे भी आपको मिड पॉइंट पे क्रिएट करना है, और एक इस मिड पॉइंट पे क्रिएट करना है, फिर हमारे सारे नोड क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फिर से कहाँ जाना होगा, इंसर्ट नोड पे, और इस बार इस मेंबर पे क्लिक करेंगे, और सीधे आपको कहाँ क्लिक कर देना है, एड मिड पॉइंट। तो देखिए मिड पॉइंट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे दे दो एड मिड पॉइंट और ओके आ गया। देखो अब आपको इनको ज्वाइन कराना है, तो आपके पास एड बीम का ऑप्शन है, और आपको 6 को 8 से, 5 को 9 से, और 7 को 10 से, फिर 10 को 6 से, और 6 को 9 से, इस तरह से ही तो कराना था। मैं यहाँ से इसके शिफ्ट एन और शिफ्ट बी कर देता हूँ। अब सही दिख रहा है आपको?
अब क्या करना है, दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा? यस बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक मिरर कमांड भी है। कौन सी? मिरर, मिरर कमांड। तो आप इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे जो जो आपको मिरर करना है, यही है। तो देखिए मिरर कमांड आपकी ये है, जनरेट मिरर, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके ये बताओ कि हमें यहाँ प्लेन कौन सा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप प्लेन चूज करना पड़ेगा। बताओ जल्दी से। आशीष बताइए कौन सा प्लेन चूज करना पड़ेगा हमें? एक्स वाई। एक्स वाई में तो डियर आपने बनाया ही है उसको। एक्स जेड सर। एक्स जेड, एक्स जेड डियर आपका बॉटम वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो आपका कॉर्नर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक्स वाई जेड का ओरिएंटेशन दिखा रखा है, तो एक्स जेड अगर लोगे तो ये तो आपका बॉटम वाला हो गया। अगर आपको वो नीचे या ऊपर की तरफ मिरर करना होता तब आप इसमें एक्स जेड यूज करते। सर वो तो कॉपी होगा ना सर, मतलब वो मिरर इमेज है तो उसी प्लेन पे होगा। होगा तो डियर उसी प्लेन पे, लेकिन आपको प्लेन तो दूसरा चूज करना पड़ेगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा। जी सर। है कि नहीं? तो हमारा तीसरा एक ही लास्ट वाला बचता है, कौन सा? वाई जेड। तो देखिए आप यहां से भी देखो तो ये वाई जेड आपका इस तरह से बन रहा होगा इसके परपेंडिकुलरली। अगर इस वाई जेड को, हाँ, तो आप यहाँ पे आप कहीं रखोगे इस पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, तभी तो आप दूसरी तरफ मिरर करोगे। यस सर। तो देखो पहला ऑप्शन तो आपका था मिरर प्लेन चूज करना, सो आपने कर लिया। कौन सा है? वाई जेड। यस सर। अब आपके पास पूछ रहा है कि उस वाई जेड की पोजीशन कहाँ पर रखनी है आपको। तो देखिए आपके पास में दो ऑप्शन है, नोड ऑन प्लेन और प्लेन एट एक्स इक्वल टू। कि आपको एक्स इक्वल टू देखो यहाँ पे रखना पड़ेगा कहीं मिड पॉइंट पे। yes, क्या कोऑर्डिनेट रहेगा यहाँ का, क्या डिस्टेंस है? यहाँ से अगर आप नीचे एक परपेंडिकुलर डालोगे तो किस पे आएगा, कितने डिस्टेंस पे आएगा डियर? हाँ जी, आपका जीरो से ही लेना पड़ेगा ना यहाँ से यहाँ तक। हाँ तो मिड पॉइंट सेल कर लेंगे। हाँ तो आप यहाँ पे सिक्स डाल दो। अगर मान लो कि आपको डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे कि भाई कितना हमारा डिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है नोड का भी। तो नोड तो ये नंबर हमें पता नहीं है कितना है, तो देखो पिक नोड का भी ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करो और इस नोड पे ले जाके क्लिक कर दो, तो देखो ऑटोमेटिकली आपकी नोड आ गई यहाँ पे और डिस्टेंस भी आ गया। yes, sir. बस फिर क्या है, आपको यहाँ पे कर दो कॉपी। अगर आप मूव करोगे तो इस तरफ से उठकर इधर आ जाएगा, अगर कॉपी करोगे तो दोनों तरफ रहेगा। आ गया एकदम सीधा। किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? नो सर। पक्का? हाँ सर। तो इस फिगर को ड्रॉ कर लो, ये फिगर